Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. That's great. Today we will be doing work in Hindi Praveshika book. Open page number 4949. Okay? In this, today we will, first of all, you will be writing date, that is 15 December 2020. And on the right hand side, you have to write class per. आज हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे अह की मात्रा से रिलेटेड. ओके, चलिए पढ़ते हैं. शब्दों में सही अक्षर के साथ अह की मात्रा, ये अह की मात्रा है, लगाओ. यहाँ पे आपको शब्दों के साथ सही अक्षर के साथ क्या करना है, यहाँ पे शब्दों में सही अक्षर के साथ, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं उनके सही अक्षर के साथ आपको क्या करना है, अह की मात्रा लगानी है. अ हा, तो यहाँ पे छ अच्छा छतरी लिखा है, जब आप यहाँ पे अह की मात्रा लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, छह. ये छी, आ की मात्रा लगा, आह की मात्रा लगा दोगे, छी ही. अतः, प्रायः, प्रातः, अंतः, पुनः, शनः, दुःख, नमः, पुनः, तपः, अन्ततः, फलतः, निही कपट, निही शब्द, निही फल, नहीं छल. ओके, उलू कह, क्रमशः, परितः, स्व स्व सवतः, कृषकः, मूलतः, दुः सह हस, नि संकोच, नि स्वार्थ, निहि श स श ये, निहि संदेह. ओके, आपको ऐसे ही अह की मात्रा लगानी है सही अक्षर के साथ और एक शब्द बनाना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. चित्र देखकर सही शब्दों के सामने टिक का निशान लगाइए. यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, उनके साथ शब्द लिखे हुए हैं, उनके सही शब्द के सामने आपको क्या लगाना है, टिक का निशान. ये क्या है, किसान है, बैल को लेकर जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, कृषकः. ये लिखा है कृषकः, ये क्रमशः, तो आप किस पे लगाओगे, कृषकः पे. ये सुबह को क्या बोलते हैं, प्रातः बोलते हैं, तो प्रातः स्वतः, तो किस पे टिक लगेगा, प्रातः पे. अतः, और ये दुखी, ये एक बच्चा है, वो क्या हो रहा है, दुखी सा, उसने सैड फेस बना रखा है, तो उसपे क्या बोलते हैं, उसे दुखी बोलते हैं, तो यहाँ पे दुखी पे टिक लगाओगे. ये लड़की क्या कर रही है, प्रेयर कर रही है, प्रेयर को क्या बोलते हैं, नमः, प्रार्थना करना. ओके, तो नमः लिखा है, और ये पुनः, तो किस पे टिक करोगे, नमः पे टिक करोगे. ओके, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया. ओके, धन्यवाद.